सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज आज के इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंजीनियरिंग की फाइनल सीट मैट्रिक्स के बारे में और फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में। तो गाइज दोनों ही जो सीट मैट्रिक्स है एज वेल एज जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो दोनों ही जो है डिक्लेयर हो चुके हैं सीईटी सेल वेबसाइट के ऊपर। तो गाइज अगर विजिट करते हो cetcell.mahacity.org तो यहाँ पर अगर आप नीचे आते हो अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में और क्लिक करते हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग तो आपको दोनों लिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगी। फर्स्ट आती है फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट डिप्लोमा कैंडिडेट, इसके ऊपर जो है आपको क्लिक करना है। तो ये कम्प्लीटली पीडीएफ फाइल है, तो इसके अंदर आपको क्या चीज़ें चेक करना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है आपको आपका नाम चेक करना है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में आता है तो आप जो है ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो कैपराउंड वन का, अगर आपका नाम इसमें नहीं आता है तो आप कैपराउंड वन का ऑप्शन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, आप एलिजिबल नहीं हो कैपराउंड के लिए। ये एक होगी फर्स्ट थिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो है आपका मेरिट नंबर यहाँ पे चेक करना है कि भाई आपका मेरिट नंबर क्या आता है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई आपके आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपका कंपटीशन कितना टफ है कितना कम है, आपको इससे कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। इसमें आपको जो है बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप के नंबर देखने मिलते हैं, लाइक आपकी कास्ट कैटेगरी में आपका क्या नंबर है, महाराष्ट्र स्टेट में आपका क्या नंबर है वगैरह वगैरह। तो आपको जो है ये लिस्ट एकदम ध्यान से देखनी है, आपको आपका जो डेटा है वो एक बार सही से चेक कर लेना है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। बाकी मैंने आपको इसके अंदर क्या चीज़ क्या क्या होती है प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने आपको आई बटन में दे दिया, आप वो चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो गाइस जो सीट मैट्रिक्स है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है, अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू व्यू प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैपराउंड वन फॉर एकेडमिक ईयर 2021। तो ये भी पीडीएफ फाइल है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो। तो इस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सीट मैट्रिक्स क्या होती है उसका इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था, तो इस वीडियो में जो है मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा कि भाई इस बार सीट मैट्रिक्स में क्या क्या चेंज है, आपको क्या क्या चेक करना है। तो गाइस इस बार देखोगे तो भाई यहाँ पे जो है पहले ही बता देते हैं भाई लेटरल एंट्री के लिए जो है 10% सीट जो है रिजर्वड होती है। ये जो 10% सीट्स हैं ये डिवाइडेड होती हैं अलग अलग कास्ट कैटेगरी में। तो जनरल के लिए 50% रिजर्वेशन होता है, एससी के लिए 16.25, एसटी के लिए 8.75 और अलग अलग जो कास्ट हैं उनके हिसाब से जो यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है। फिर उसके बाद में वैकेंट सीट्स के ऊपर आते हैं, तो वैकेंट सीट्स यानी वो सीट्स होती हैं जो लास्ट ईयर जो है फिल नहीं की गई थी एडमिशन के दौरान, तो वो जो सीट्स वैकेंट रह गई है वो इस साल जो है फिल की जाएंगी। तो जनरल के लिए जो है 50% होता है, एससी के लिए 13%, एसटी के लिए 7%, वीजेडीटी एनटी के लिए 3% और बाकी जो अलग अलग कास्ट है उनके लिए जो है अलग अलग वैल्यूज़ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब नीचे आते हैं लीजेंट्स के ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए। EWS स्टैंड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, PWD स्टैंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, DF स्टैंड फॉर डिफेंस, G स्टैंड फॉर जनरल, S स्टैंड फॉर लेडीज, F स्टैंड फॉर ओनली फॉर फीमेल। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पर जो है अब आपको ये पूरा जो टेबल है ये आपको समझना होगा। सो गाइस मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो है केमिकल इंजीनियरिंग ग्रुप का समझाया था, मेन ग्रुप क्या होता है सब ग्रुप क्या होता है, तो इस वीडियो में जो है मैं आपको जो है कंप्यूटर का समझाऊंगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे कंप्यूटर मैकेनिकल के हैं। तो जस्ट लाइक आपको कंट्रोल एफ करना है अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कंप्यूटर, तो हमारे सामने जो है मेन ग्रुप 3 ओपन हो जाता है जहाँ पे लिखा है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ग्रुप। अब यहाँ पे आपको जो थिंक करनी है वो ये है कि भाई नीचे सब ग्रुप देखोगे तो 0301 कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अब इसके अंदर जितने भी जो कॉलेजेस के नाम आएंगे वो जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच ही ऑफर करेंगी। तो हम कौन सी कॉलेज के बारे में देखते हैं, तो गाइस हम देखेंगे VJTI के बारे में क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है मुंबई की और मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं ये वहाँ पे ही जो है एडमिशन लेना पसंद करते हैं। तो हम जानेंगे कि भाई VJTI का क्या कट ऑफ है क्या है वगैरह वगैरह। तो गाइस जो VJTI है उसका इंस्टीट्यूट कोड है 3012 और उसका जो फुल नेम है वो है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट VJTI मटुंगा मुंबई। तो गाइस इस बार जो VJTI है इसके अंदर जो लेटरल एंट्री है वो है 6, मतलब सिर्फ 6 सीटें हैं इस बार, और जो चॉइस कोड है VJTI का कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए वो है 3012224510। तो आपको जो ऑप्शन फॉर्म में चॉइस कोड डालना होता है वो ये चॉइस कोड डालना होता है 3012224510। अब यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो है गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस, ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो नो डाउट। तो यहाँ पे जो वैकेंट सीट है वो 0 है, मतलब लास्ट ईयर उनके पास कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी, तो इस बार जो है वो सब 6 ही बच्चों को लेंगे। अब नीचे जो टेबल है हम उसे एक बार समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई नॉन मायोरिटी सीट्स 8, मतलब जो टोटल इनके पास जो नॉन मायोरिटी सीट्स है वो है 8 है।
तो यहाँ पे माइनॉरिटी को कोई सीट नहीं जाती। अब ये जो 8 सीट्स हैं ये भी डिवाइडेड हैं अलग अलग कास्ट कैटेगरी में। तो ओपन के अंदर जाओगे तो ओपन में भी जो है दो आ जाता है सेक्शन, एक होता है जी और दूसरा है एल। जी यानी जनरल, एल यानी लेडीज़। तो ओपन जनरल को जो है 3 सीटें हैं, ओपन लेडीज़ को 0 सीटें हैं। एससी जनरल को 1 सीट है, एससी लेडीज़ को 0 सीट है। एसटी जनरल को 0 सीट है, एसटी लेडीज़ को 1 सीट है। VJT को कोई सीट नहीं है, NTB को कोई सीट नहीं है, NTC को कोई सीट नहीं है, NTD को भी कोई सीट नहीं है। OBC जनरल को 1 सीट है, OBC लेडीज़ को 1 सीट है। अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे टोटल सीट फॉर PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी को यहाँ पे कोई सीट नहीं है, और टोटल सीट फॉर DF यानी डिफेंस यहाँ पे इसको भी कोई सीट नहीं है। EWS को 1 सीट है, तो अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 1 सीट मिल जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा टेबल का मीनिंग होता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि भाई पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर ब्रांच के लिए टोटल कितना इनटेक है, और आप किस खास कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ पे कितना मतलब चांसेस है कि आपको वो कॉलेज लग सकता है। क्योंकि जितना कम इनटेक होगा उतना ही हाई कट ऑफ होगा, और जितना ज़्यादा हाई इनटेक होगा उतना कम कट ऑफ होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो सबसे पॉपुलर कॉलेज है मुंबई के वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, उसका मैंने आपको ये पूरा टेबल समझा दिया है। अब आपका काम है कि भाई आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो आप इस सीट मैट्रिक्स को रेफ़र करो, आपकी कॉलेज लिस्ट बनाओ। इस कॉलेज लिस्ट में हम आपकी हेल्प भी करते हैं। अगर आप हमारा गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको जो है हम कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, आपकी एग्रीगेट परसेंटेज के हिसाब से, आपकी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से, फिर आप कौन से ब्रांच में एडमिशन लोगे और कहाँ एडमिशन लोगे। तो इन 3-4 चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद हम जो है आपके लिए जो है एक कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, जो कि कम्प्लीटली आपके एग्रीगेट परसेंटेज के बेसिस पे होती है। तो नीचे मैंने लिंक दे दी है, तो आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सर्विस में चूज़ करना होता है कि भाई आपको एडमिशन लिस्ट चाहिए, कंसल्टेंसी चूज़ करते हो। तो यहाँ पे हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, जो भी आपके डाउट्स हों, क्योंकि 30-45 मिनट्स हम आपको देते हैं, सो दैट कोई भी जल्दबाजी ना हो, आपके आराम से सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। फिर आपको आपकी ब्रांच स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, फिर आपको आपके एग्रीगेट मार्क्स एंटर करने होते हैं डिप्लोमा में जो भी आपको मिले हों, फिर आपको आपकी कास्ट कैटेगरी चूज़ करनी है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट नेम चूज़ करना है जहाँ पर आपको एडमिशन लिस्ट चाहिए, और उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको आपका ट्रांजेक्शन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होता है, और ये इंपॉर्टेंट नोट्स आपको एक बार पढ़ लेने चाहिए, फिर उसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो हम आपको विद इन 24 आवर्स में आपको आपकी कॉलेज लिस्ट दे देते हैं, और आपको जो है आपका कंसल्टेंसी भी जो आपने लिया हुआ है उसको पर्टिकुलर टाइम देके विद इन 24 आवर्स वो भी आपका कंप्लीट कर देते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, दैट आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको जो है बेस्ट कॉलेज आपके एग्रीगेट परसेंटेज के हिसाब से मिल जाएगी। सो गाइस होपफुली वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।